ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे 90311 के नेक्स्ट टॉपिक तंबाकू की सुंडे या जिसे टोबैको कैटरपिलर कहा जाता है। देखते हैं कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या रहता है। ऑर्डर लेप्रोप्टेरा और फैमिली नॉक्टुरी से बिलोंग करते हैं ये कैटरपिलर या ये जो सुंडे होती है। और अगर जीनस स्पीशीज या साइंटिफिक नेम की बात करें तो स्पोडोप्टेरा लेटुरा साइंटिफिक नेम है जिसे जीनस स्पीशीज कहते हैं। और होस्ट प्लांट्स की बात करते हैं तो होस्ट प्लांट क्या रहेंगे, जो इसका मेन होस्ट प्लांट है वो क्या रहेगा, तंबाकू, क्योंकि तंबाकू की सुंडी के बारे में बात करते हैं तो नाम से क्लियर है कि इसका जो मेन होस्ट प्लांट है दैट इज टबैको या तंबाकू। उसके अलावा आलू, चना, अलसी, मूंगफली, ज्वार, मक्का, टमाटर, बैंगन और सरसों कुल की सब्जियां। और यह जो कीट है, ये जो इंसेक्ट है, ये किसकी श्रेणी में आता है, ये पोलीफेगस कीट, बहुपक्षी कीट की श्रेणी में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि ये लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स में मिलता है, लेकिन इसका जो अटैक है या इसका जो प्रकोप है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी जो डैमेज है वो किस प्रकार रहती है। इसकी जो गिडार अवस्था है या जिसे कहते हैं कि इसकी जो लार्वा अवस्था है वो जो इसकी गिडार अवस्था या लार्वा अवस्था फसल को हानि पहुंचाती है। ये जो गिडारें होती हैं या जो सुंडियाँ होती हैं वो शुरू से झुंड के रूप में पत्तियों के टिश्यूज को खाती हैं जिससे पत्तियों को बहुत अधिक हानि पहुँचती है। और जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं या बड़ी हो जाती हैं तो ये अलग अलग फैल जाती हैं और पत्तियों को काट काट कर उनको डैमेज कर देती हैं। और ये क्या करती हैं, रात के टाइम में अधिक एक्टिव रहती है, अधिक सक्रिय रहती है। और जो गुजरात है, गुजरात में तंबाकू की जो खेती होती है उसमें अबाउट 16.9% तक का डैमेज इस इंसेक्ट द्वारा होता है। और उत्तरी भारत में जो गोभी की पत्तियां हैं उसके अंदर ये छेद करके उसको खाती है। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। ये इसकी अवस्था है, देखिए है ना, एक ऐसे पत्तियों के ऊपर एग लेइंग की हुई है, एग के ऊपर ये खाते भी हैं। और ये इसका जो ए फॉर्म है आप देख रहे हैं, ये इसका कैटरपिलर है और ये कैटरपिलर ही जो फसल को डैमेज करता है। और ये इसका क्या अडल्ट मौत होता है जिसको शलभ कहते हैं, अडल्ट मौत। और ये क्या है, लीफ के ऊपर ये एग लेइंग की गई है और दिस इज प्यूपा फॉर्म है ना, एग देन लार्वा देन प्यूपा देन अलर्ट। इसमें सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली वैसे है, अदरवाइज आप इसे क्लियर कर लीजिए। जो एग लेइंग के बाद सेकेंड जो फेज है इसकी लार्वा या जिसको कैटरपिलर कहा जाता है, सुंडे या गिडार भी कहते हैं। थर्ड वन इज इसका प्यूपा एंड लास्ट इज एडल्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री या इसका लाइफ साइकिल कितना होता है, कैसा होता है, कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं या क्या क्या जो स्टेजेस हैं वो फसल को डैमेज करते हैं। लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, एग, सुंडे, प्यूपा या क्रीमी कोश और एडल्ट। तो उसमें क्या होते हैं, 4 अवस्थाएं मिलती हैं जिसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट पाया जाता है। एग की बात करें तो ये जो इंसेक्ट है वह पूरे साल ही एक्टिव रहता है और इसके जो इंसेक्ट है एडल्ट है वो रात के टाइम में निकलते हैं। और कॉपुलेशन के बाद जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो लगभग 500 एग्स जो कोमल पत्तियां होती हैं उस पर ग्रुप के ग्रुप में देती हैं। और जो एग्स के समूह होते हैं वो पूरे जो ग्रुप होते हैं वो भूरे रंग के बालों से ढके रहते हैं। और एग हैचिंग का जो टाइम है वो है 3 to 5 दिन में पककर फूटते हैं, मतलब एग हैचिंग का टाइम कितना रहता है, 3 to 5 डेज।
नेक्स्ट देखते हैं इसकी गडार अवस्था है जिसको कैटरपिलर भी कहते हैं, सुंडी अवस्था भी कहा जाता है। तो एग से जो सुंडे निकलती है या जो गडार निकलती है वो स्टार्टिंग में क्या है ग्रुप में रहती है और बाद में जब विकसित हो जाती है बड़ी हो जाती है तो पूरे खेत में ही फैल जाती है, मीन्स अलग अलग हो जाती है। इनकी बॉडी ब्राउन कलर की होती है और चिकनी होती है और इसके ऊपर गहरे कलर के स्पॉट पाए जाते हैं। और जो पूर्ण रूप से ये जो सुंडे विकसित हो जाती है तो ये मखमल के समान दिखाई देती है और लगभग 30 mm लंबी रहती है। इसकी जो शरीर के दोनों ओर पीठ पर एक एक येलो कलर की लाइन होती है और एक गहरे पीले रंग की लाइन शरीर के निचले भाग पर पाई जाती है। तो ये इसके क्या हुए, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कि इसके ऊपर लाइन्स का पाया जाना, पीली लाइन काली लाइन जैसे भी है ये सारे क्या जो सामने से दिखाई देते हैं वो इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और सुंडी अवस्था जो होती है वो 15 से 23 दिन की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रीमी कोश या जो इसका प्यूपा अवस्था है तो वो कैसी होती है, कितने दिन की रहती है। जो पूर्ण विकसित सुंडे होते हैं वो मिट्टी का कोकून बनाकर उसके अंदर चली जाती है, मिट्टी का कोया जो कोकून है कोया है वो मिट्टी का बनाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। और यह है, जो क्रीमी कोश होता है जो प्यूपा होता है ये गहरे भूरे रंग का होता है और यह अवस्था 9 to 14 डेज की रहती है। जबकि जो सर्दियाँ होती हैं या विंटर सीजन जब होता है तो यह जो प्यूपा अवस्था है क्रीमी कोश अवस्था है ये लगभग 30 डेज की हो जाती है। तो ये हमने पहले भी इंसेक्ट की लाइफ हिस्ट्री में देखा, कुछ इंसेक्ट में पहले भी ऐसा होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जैसे टेम्परेचर वेरी करता है वैसे उनकी जो डेवलपमेंट की स्टेज है उसकी टाइमिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे पहले भी देखा था किसी में एग हैचिंग के टाइमिंग में चेंज होता है, किसी के सुंडे से प्यूपा अवस्था में बदलने में टाइम में चेंजेस हो जाता है, या जो विंटर सीजन में कुछ ऐसी हैं जो सुसुप्तावस्था को दिखाती हैं और इनएक्टिव कंडीशन में पूरे सदियों में ही पड़ी रहती हैं और जब मौसम चेंज होता है तो वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार ये अलग अलग टाइमिंग हो जाती है और टेम्परेचर वेरिएशन से ही ये टाइमिंग चेंज हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके प्रोड की, जो लगभग 22 mm लंबा होता है और इसके अगली जोड़ी पंख पर गहरे भूरे रंग के, अगली जोड़ी जो पंख हैं वो गहरे भूरे रंग के होते हैं जिन पर आड़ी तिरछी सफेद लाइंस बनी होती है और जबकि पिछले जो पंख हैं इनके वो व्हाइट कलर के रहते हैं। और जब ये प्रोड निकलते हैं किससे, प्यूपा से जब प्रोड निकलते हैं तो उसके बाद ये लगभग 7 से 10 दिन तक ही जीवित रहते हैं और जो पूरी लाइफ साइकिल है वो 34 से लेकर 75 डेज की रहती है। और एक साल में कितनी जनरेशन देते हैं, 7 से 8 पीढ़ियां, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज एग सॉरी सेकंड स्टेज इसका लार्वा या जिसको गिडार या सुंडे कहते हैं, थर्ड इसका प्यूपा और प्यूपा से ग्रोथ करके एडल्ट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो कंट्रोल है वो किस प्रकार किया जाता है या जो इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग से जो होते हैं जब ये सुंडियाँ या ये जो गिडार है ये समूह में रहते हैं तो उनको इकट्ठा करके हम नष्ट कर सकते हैं और कार्बोरेल डस्ट मालक डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं, उसको बुरकाव कर सकते हैं और स्पाइनोसेट या इंडोस्कार की एक निश्चित मात्रा का हम इसको फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। और इसका जो नेचुरल एनिमीज हैं या जो उसके कृमि कोश या इसके सुंडी पर परजीवी होते हैं उनका प्रयोग करके भी इनकी संख्या को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो इंसेक्ट है आलू की सुंडी या पोटैटो ट्यूबर मोथ। ये भी क्या है, मौत मैंने आपको एक बार पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मौत कौन से होते हैं, शल या मौत, देखने में वो बटरफ्लाई जैसे होते हैं बट ये मोस्टली क्या होते हैं, रात के टाइम एक्टिव रहते हैं और
लाइफ पर। ये आम घरों में भी हम इनको देख सकते हैं, ब्राउन या ग्रेज कलर की हमारे घरों में भी आसपास लाइट है या जो रोड लाइट है उसके आसपास भी हमें दिखाई दे जाता है। आलू की सुंडी बात करते हैं हम, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन की, तो ये है ऑर्डर लेप्टोप्टेरा और फैमिली इसकी है ग्लेसिडी। और इसकी जब साइंटिफिक नेम या इसके जो जीनस स्पीशीज की बात करें तो थोरिया ओपरकुलेना, ओपरकुलेला पिथोरिनिया ओपरकुलेला इसका साइंटिफिक नेम या जीनस स्पीशीज होता है। होस्ट प्लांट की बात करें तो आलू के साथ साथ टमाटर, बैंगन और तंबाकू भी इसके होस्ट प्लांट रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहाड़ी भागों को छोड़कर जो इंडिया में या भारतवर्ष में ये लगभग सभी प्रदेशों में पाया जाता है। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो इंडिया के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी द्वीप समूह, फ्रांस, न्यूजीलैंड, अमेरिका और हवाई द्वीप में भी इसका जो वितरण पाया जाता है ये इंसेक्ट वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी क्षति या जो इसका डैमेज नेचर है वो किस प्रकार है, या इसका जो कौन सा लाइफ की कौन सी स्टेज है जो इसे फसलों को हानि पहुंचाती है। तो इसकी क्या है, केवल सुंडी अवस्था जो होते हैं, यहाँ देखिए आप डायग्राम में, डायग्राम हमारे पास क्या है, नेचुरल सी बात है कि इसकी आपको दिखाई दे रही है चार अवस्थाएं। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड अवस्था है सुंडी या लार्वा जो फसलों को डैमेज करती है। देखने में कितनी खतरनाक सी दिखाई दे रही है ना इस अवस्था को, देखो आप जिसको लट भी कहते हैं, सुंडी भी, गिडार भी कहते हैं या ग्रब भी कहा जाता है, कई सारे नाम है इसके, इसको लार्वा मतलब इन जनरल ये इस इंसेक्ट का लार्वा है। देखने में कितनी लग रहा है कि ये वास्तव में अटैक करने वाली हो, देखिए इसका इमोशन बड़ी अग्रेसिव सी दिखाई दे रही है। और थर्ड स्टेज हमारे पास क्या है, ये प्यूपा, ये कोई स्टेज नहीं दिखाई दी है, ये इसके कोकून दिखाए गए हैं, जो कोया या कोकून किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इस लार्वा के द्वारा। तो ये हमारी होगी थर्ड स्टेज। और ये हमारी क्या है जो एडल्ट है या जो प्रोड है, ये हमारे पास इसकी लास्ट स्टेज या फोर्थ स्टेज। तो इसकी जो लाइफ स्टेज कितनी स्टेजेस होगी, 1, 2, 3 and 4 एक्ट लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट। देखते हैं किस प्रकार डैमेज करती है इसकी जो ये स्टेज है या सुंडी अवस्था है, वही केवल फसलों को नुकसान पहुंचाती है। अब ये बोल रहे हैं कि इसके जो मुखांग है माउथ पार्ट को काटने चबाने वाले, तो इसके माउथ को देख कर ही लग रहा है कि ये काट सकते हैं या उसको चबा सकते हैं। और आलू के खेतों में भी नुकसान पहुंचाती है और भंडार गृह जहाँ पे हम इसको प्रिजर्व करते हैं या इकट्ठा करके भंडार गृह में डालते हैं वहां पर भी यह सुंडी नुकसान पहुंचाती है। और खेतों की अपेक्षा भंडार गृह में ये अधिक नुकसान पहुंचाती है, अधिक डैमेज करती है। और अक्टूबर के महीने से लेकर फरवरी मार्च तक यह जो है इंसेक्ट खेतों में पाया जाता है और भंडार गृह में नुकसान करता है। सबसे पहले जब ये सुंडी अवस्था होती है, पत्तियों के मध्य शिरा के सहारे कोमल शाखाओं और तनों में सुरंग बना लेती है और फिर पत्तियों को खाकर नष्ट कर देती है। और जो ये अंदर आलू होते हैं खेत के अंदर, आलू के अंदर ये छेद करके घुस जाती है और उसका सारा गूदा खाकर नष्ट कर देती है, जिससे आलू के अंदर सड़ांध पैदा हो जाती है। कभी कभी आपने देखा आपके घर में भी आप आलू लाते हो तो खराब आलू आता है, उसमें से पानी जैसा लिक्विड बाहर निकला होता है ना, कैसा लग रहा है कि आलू गला हुआ है। अगर आपने वास्तव में कभी देखा हो उस आलू को काट को, तो उसके अंदर वो लार्वा या वो सुंडी अवस्था मिल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है जिसको कहते हैं कि आलू खड़ा हुआ आ गया या आलू खराब आ गया, तो उस आलू के अंदर लट या ये लार्वा ये मिल जाता है। तो ये जनरल सी चीजें हैं, लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपने आस पास ही आप देख लेते हो, बट कंडीशन सिर्फ ये है कि हम लोग इसको गौर नहीं करते हैं, देखते ही हैं कभी, तो हम लोगों को लगता है कि इस नॉलेज की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। बट एक्चुअली में जो आपका ये सिलेबस में सारे पेस्ट बताए जा रहे हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा पेस्ट ऐसे हैं जो आप अपनी लाइफ में, आप अपने सराउंडिंग इन्हें देख सकते हैं। तो अब इनकी क्या होती है, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है
तो इनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और ये 70% तक फसल को डैमेज कर देते हैं। और जिससे जो आलू होते हैं न तो वो मतलब यूज करने लायक होते हैं और न ही वो दोबारा बोने के लिए बचते हैं। आलू की सतह पर क्या हो जाता है कि काले रंग की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लगे रहते हैं और उनमें घाव जैसे हो जाते हैं और बैक्टीरिया और फंजाई का भी इन्फेक्शन हो जाता है और आलू सड़ने लग जाते हैं। और अगर भंडारित गृह में या जो गोदाम या जो स्टोर है जिसमें आलू को रखा हुआ है वहाँ पर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आलू या उस भंडार गृह में बहुत अधिक स्मेल हो जाती है और उसमें दुर्गंध आने से पता लग जाता है कि आलू में इस सुंडी का प्रकोप हो गया है। और ये पहाड़ों में क्यों नहीं पाया जाता, पहाड़ी क्षेत्रों और शीतगृहों में क्यों नहीं पाया जाता, आपने सुना ना कि कोल्ड स्टोर का आलू आता है, तो आलू को जो प्रिजर्व किया जाता है वो कोल्ड मतलब कम टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि जो कम टेम्परेचर होता है कम टेम्परेचर पर इस इंसेक्ट का जो लाइफ है वो नहीं चल सकती, इसीलिए ये पहाड़ों में नहीं पाए जाते, क्योंकि पहाड़ों में प्लेन एरिया की कंपैरेटिवली टेम्परेचर हमेशा ही लो रहता है और लो टेम्परेचर पर इस इंसेक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता। इस कारण ये आलू को जब स्टोर किया जाता है तो वो जिसे कहते हैं कोल्ड स्टोर या लो टेम्परेचर पर उसे प्रिजर्व किया जाता है या स्टोर किया जाता है ताकि जरूरत आने पर उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके हम लाइफ हिस्ट्री की। लाइफ हिस्ट्री में मैं आपको भी पहले ही बता चुकी हूँ कि कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं, चार अवस्थाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट की बात करें एग, तो एग जो फीमेल इंसेक्ट है वो पॉपुलेशन के बाद जो नीचे की नीचे पत्तियां होती हैं उन पर खुली स्तर पर या गोदामों में आलुओं की जो ऊपर बर्ड्स होती हैं जिसको आई कहा जाता है उसके ऊपर अंडे रख देती हैं या एग लेइंग करती हैं। कहाँ, खेत में तो ये लीव्स पर करती हैं और अगर हम स्टोर की या कहीं भंडारण गृह की बात करें तो ये इंसेक्ट जो आलू के ऊपर बर्ड्स नहीं बनी होती छोटी छोटी ग्रीनिश कलर की है जिसको कहते हैं इसके ऊपर आँख है ना, जनरल लैंग्वेज में उसको आँख कहा जाता है, उसके उसमें अंडे रख देती हैं। और शुरू में ये जो एग होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और लगभग 6 mm लंबे और 4 mm चौड़े होते हैं। आकार में ये अंडाकार होते हैं और जब तक ये फूटते हैं या हैच होने का टाइम होता है तब तक ये ब्राउन कलर के और एंड में ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। फीमेल इंसेक्ट अपनी पूरी लाइफ में 100 से 150 एग्स देती है, 100 से 150 एग्स दिए जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 से 4 दिनों में हैचिंग की क्रिया पूरी हो जाती है और अंडे फूट कर सुंडी बाहर आ जाती है। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि जब उसमें टेम्परेचर उसके अनुकूल होता है ना, कम अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी जो लाइफ है वो नहीं चलती। नेक्स्ट देखते हैं जो उसकी सुंडी अवस्था या जो लार्वा अवस्था है। सुंडी जो है वो जब निकलती है एग से तो 1.5 mm लंबी होती है और वाइट कलर की होती है जबकि उसका सिर ब्लैक होता है। पीछे आपने डायग्राम में देखा है कि वो उसका जो हेड है वो ब्लैक कलर का होता है। और ये क्या करती है, पत्तियों में टहनियों में और आलू में छेद बनाकर सुरंग बनाकर आश्रय कर देती है और अंदर अंदर ही अंदर उसको खोखला कर देती है। लाइफ में 5 बार निर्मोचन क्रिया होती है और पूर्ण विकसित होने पर यह 22 mm लंबी हो जाती है और इसका जो कलर है वो हल्का हो जाता है। पीठ पर इसकी पीली लंबी रेखाएं या लाइंस दिखाई देती हैं। पूरी बॉडी पर कंटिकाएं पाई जाती है, देखा आपने पीछे डायग्राम में कैसे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जा रही थी ना, तीखे तीखे कांटे से नजर आ रहे हैं पूरे में। और अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो यह 10 से 20 डेज में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और प्यूपा में बदलने से पहले यह सुरंग से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी प्यूपा फॉर्म या क्रीमी कोस्ट कैसे होता है। प्यूपा में बदलने के लिए या क्रीमी कोस्ट में बदलने के लिए या प्यूपा
बनाने के लिए, कोकून बनाने के लिए यह कूड़े करकट या पत्तियों के ढेर के नीचे चली जाती है, और गोदामों में आलू के नीचे भूमि या मिट्टी में चली जाती है, और वहां ये मटमैले रंग का 1.5 mm लंबा कोकून बना लेती हैं, और उसके अंदर ये कोशावस्था में बदल जाती हैं। और कोकून के अंदर ये भूरे रंग की लगभग 6.5 mm लंबी और 2.5 mm चौड़ी रहती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, और ये जो प्यूपा स्टेज है वो 7 to 10 days की रहती है। प्यूपा स्टेज कितने डेज की रहती है? 7 to 10 days की। इसके बाद एडल्ट इंसेक्ट बाहर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडल्ट इंसेक्ट का जो साइज है या वो किस कलर का रहता है। ये ब्राउन कलर का रहता है और 6 mm लंबा, और इसका जो विंग्स का जो फैलाव होता है वो 12 mm होता है, और इसकी एंटीनी पर धागे की जैसी भौखंडी है, जो एंटीनी है वो धागे जैसी भौखंडिया होती है, और इसके अगले पंख पर जहां तहां काले धब्बे मिलते हैं, और पिछले किनारों पर लंबे भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं, और रात्रि चर होते हैं और प्रकाश की ओर या लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो इसको मारे कर सकते हैं, लाइट रैप लगा के इनको अट्रैक्ट करके हम इनको मार सकते हैं। ये देखिए, इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, और जो पूरी लाइफ है वो 31 से 36 दिन में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक साल में 6 से 8 जनरेशन मिलती हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज, देन ये सेकंड, देन थर्ड स्टेज मिलती है प्यूपा, एंड देन ये फोर्थ स्टेज। तो ये जो चार स्टेजेस हैं, ये जो लाइफ है, ये पूरी 21 से 36 दिन में ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कंट्रोल या इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। इसके जब कंट्रोल की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जब आलू को हम गोदाम में रखते हैं उससे पहले आलुओं को अच्छी तरह चेक करना चाहिए, यदि उसमें कोई डैमेज या जो खराब आलू है या क्षतिग्रस्त आलू है उसको अलग कर देते हैं। सेकंड क्या इसका ऑप्शन है हमारे पास मैनेजमेंट के लिए, कि आलुओं को जब बालू में रखते हैं या उसके ऊपर रेत की टू और रखते हैं, उसके ऊपर रेत की 2.5 cm मोटी परत बिछानी चाहिए, जिससे जो फीमेल इंसेक्ट है वो आलू के ऊपर अंडे न दे पाए। नेचुरल सी बात है ना, 2.5 cm लगभग 1 इंच से ज्यादा, तो इतनी मोटी अगर मिट्टी की परत हो जाएगी, बालू की परत आ जाएगी आलू के ऊपर, तो जो फीमेल इंसेक्ट है लेइंग करेगी वो मिट्टी के ऊपर ही रह जाएंगे, आलू तक नहीं पहुंचेंगे। और बोने से पहले जो बीज वाले आलूओं को थोड़ी देर धूप में सुखा कर उसकी बुआई करनी चाहिए। और अगर आलू के खेत में अगर प्रकोप दिखाई देता है तो थायोडान 35 EC की 1 लीटर मात्रा 750 ml 750 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर प्रति हेक्टेयर दर की से छिड़काव करना चाहिए। और आलू जब खोद लेते हैं तो उसको खोदने के बाद खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें तुरंत ही बोरियों में भरकर बंद करके रखना चाहिए। यदि वो खुले में छोड़ देते हैं तो फीमेल इंसेक्ट उन पर एग लेइंग कर देती है। और आलू के लिए जो बीज रखा जाता है उसमें 1.5 किलोग्राम मालाथियॉन डस्ट को प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से मिलाकर रखना चाहिए। और हम इसके नेचुरल एनिमीज को भी इसकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं।